हमारे हनुमान, जय श्री कृष्ण। हमारी बातचीत चल रही है जीवन प्रबंधन के साथ सूत्रों को लेकर। आपको याद होगा कि मैंने बताया था आपको कि 7 सूत्र हैं, सदैव सत्य बोलें, अहंकार न करें, निंदा न करें, नित्य पूजा करें, 5वां थोड़ा मौन साधें, 6वां योग करें और 7वां सूत्र संपर्क की वृत्ति रखें। आज हम 3रे सूत्र पर बात करेंगे, निंदा न करें। देखिए, ये उच्च तकनीक, वैज्ञानिक समझ और शिक्षा का युग है और इन तीनों ने किसी भी मनुष्य को सफलता के निकट तो ला दिया, लेकिन अब एक नया संघर्ष इंसान के जीवन में आ जाता है कि सफल हो गए हैं तो और सफल कैसे रहा जाए। और यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब शुरू होती है जब आदमी सोचता है कि इतना सब मिलने के बाद शांति गायब हो गई, व्यवसायिक दक्षता ने उसको चारों ओर सफल बना दिया, लेकिन शांति कहां से लाई जाए। देखिए, शांति किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी, किसी सैलरी से नहीं आती। शांति की खोज में थोड़ा भीतर उतरना पड़ता है और बस यहीं से शुरुआत होती है अध्यात्म की, भीतर उतरने से। तो जीवन प्रबंधन का जो सूत्र है और जीवन प्रबंधन के जो 7 सूत्र आपको अपने भीतर उतारने की 7 सीढ़ियां हैं। 3रा सूत्र, निंदा ना करें। निंदा करने के बाद मन भारी हो जाता है और भारी मन अशांति को जन्म देता है। तो जिन्हें शांति की खोज करना हो, उन्हें निंदा से बचना चाहिए। आज के प्रतिस्पर्धा के दौर में आत्म स्तुति और पर निंदा, इन 2 बातों को इंसानों ने अपना श्रृंगार बना लिया है। बड़ा रस आता है निंदा करने में। निंदा करना गन्ने के रस से भी मीठी लगती है। चलिए एक बारीक फर्क समझ लें आलोचना और निंदा में। निंदा का अर्थ अपना अहंकार दूसरे के अहंकार से टकराना, ये सीधा सा अर्थ है। जबकि आलोचना का मकसद होता है कहीं ना कहीं सत्य को ढूंढना। निंदा के पीछे शत्रुता छिपी है, आलोचना मैत्री लेकर चलती है। निंदा में मिटाने का भाव है, आलोचना में जगाने की इच्छा होती है। तो देखिए, निंदा का नुकसान रानी केकई ने उठाया था। राज तिलक के 1 रात पहले मंथरा ने केकई से जो वार्तालाप किया था, उसकी शुरुआत निंदा स्तुति से ही हुई थी और मंथरा ने अपनी निंदा वृत्ति को केकई में प्रवेश करा दिया था और केकई के जीवन में निंदा आते ही राम दूर चले गए। ध्यान रखिएगा, निंदा की आदत हमें हमारे भगवान से दूर कर देती है। निंदा वृत्ति ने पूरे विश्व के धार्मिक दृश्य को भी बहुत आहत किया है। अनेक धर्मगुरु, उनके असंख्य अनुयायी
एक दूसरे के प्रति निंदा का भाव रखने के कारण धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र बना देते हैं। धर्म अपने शास्त्र और शास्त्र अपने शब्दों से पहचाने गए, और निंदा के खेल में शब्दों की बड़ी भूमिका होती है। इसलिए कई बार तो धर्मों के बीच निंदा हथियार बन के सामने आई है, लेकिन अध्यात्म थोड़ा धर्म से गहरा विषय है, अध्यात्म शब्दों से अतीत है, धर्म व्यक्त है, अध्यात्म अनुभूति है। लेकिन इस निंदा वृत्ति ने आध्यात्मिक गुरुओं में भी खुद को ईश्वर बनाने की वृत्ति डाल दी। हम और हमारा धर्म श्रेष्ठ है, बाकी सब निकृष्ट, ये निंदा वृत्ति की ही देन है। तो हमारे भीतर निंदा वृत्ति जितनी विदा होगी, हम उतने अधिक शांत होंगे। मैं एक बार एक ग्रुप के साथ कहीं बाहर गया हुआ था, तो एक भाई साहब थोड़ी थोड़ी देर बीच में गायब हो जाते, तो मैं उनसे पूछता, आप कहाँ चले गए? बोले, नहीं ऐसे ही गया। मैंने कहा, क्या बात है, आप कोई व्यसन करते हैं, सिगरेट पीते हैं और कुछ तंबाकू खाते हैं जो चुप के चले जाते हैं? बोले, नहीं मैं पीएनवी लेने जाता हूं। तो मैंने कहा, ये पीएनवी क्या होता है? तो उन्होंने कहा, पर निंदा विटामिन, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ लोग लेते हैं। अच्छा, आप देखिए, निंदा घरों तक पहुंच गई। एक घर में कोई कार्यक्रम हो और सारे अपने लोग इकट्ठे हो, और एक कमरे में सगे भाई बहन, सगी ननंद भाभी, सगी बहनें बैठी हों, और उनमें से दो उठ के चले जाएं, तो ये जो रह गए ना, उन दो की निंदा जरूर करेंगे, ये ऐसे ही है, वो ऐसे ही है, और वो जो दो गए, वो ये जो रह गए, इनको निपटा रहे होंगे, ये पक्की बात है। तो मुझसे कई लोग पूछते हैं कि निंदा वृत्ति से कैसे मुक्ति पाई जाए। तो मैं एक निवेदन करता हूं, एक संकल्प ले, जो व्यक्ति सामने न हो, पीठ पीछे उसकी बात नहीं करेंगे, निंदा की आदत छूट जाएगी। क्योंकि जब आप किसी की निंदा करते हैं, तो आप परमात्मा के बनाए हुए उस मनुष्य की कृति की निंदा कर रहे होते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, जीवन प्रबंधन का ये तीसरा सूत्र, निंदा न करें, खुश रहें, खुश रखें। हमारे हनुमान, कल मिलेंगे।